कैची धाम मंदिर के पास लगी आग, तेज हवाओं से मंदिर की ओर जा रही आग। इन दिनों जहां पहाड़ों में बारिश हो रही है तो वहीं नैनीताल में आग दोबारा से फैलने लगी है और इस बार यह आग प्रसिद्ध नीम करौली बाबा के मंदिर कैची धाम के पास लगी है। यह आग पास के जंगल में है जो कि भीषण रूप ले चुकी है। हवाओं की लहर से यह आग तेजी से फैलने लगी है। वहीं चीड़ के जंगल होने की वजह से आग बेकाबू होती जा रही है। आपको बता दें कि आग आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी है। सड़क से लेकर घने जंगल तक आग का प्रकोप नजर आ रहा है। नीम करौली बाबा के धाम के पास ही आग का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां बाबा नीम करौली के धाम दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों धाम के नजदीक के हालात ठीक नहीं है। ये आग होटल और सड़क तक पहुंचने लगी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग किस तरीके से बेकाबू हो गई है। इस आग को बुझाने के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, ये भी बड़ा सवाल है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे नीम करौली बाबा के पास किस तरह के हालात हैं। इस वक्त हम नैनीताल जिले के कैंची धाम मंदिर के पास में मौजूद है और यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो आग जो है वो काफी विकराल हो चुकी है और लगातार ये सड़क तक पहुंच चुकी है। यहाँ से जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर आगे का सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखेंगे दूर तक आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा और जो ये आग है ये इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि ये चीड़ का जंगल है पूरी तरीके से जिसमें आग लगी हुई है और लगातार नीचे भी जो नेशनल हाईवे है अगर आपको गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी और ऊपर भी जो सड़क तक है वो आग पहुंच चुकी है। ऊपर रिहायशी इलाके तक ये अब आग पहुंचने वाली है। यहां पर होटल है, काफी खतरा यहां पर लोगों के लिए बना हुआ है और लगातार जो आग है वो काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हवा है उसके साथ ही आग लगातार फैलती जा रही है। और अगर बात करें तो लगातार पिछले कई घंटों से यहाँ पर आग लगी हुई है। फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन या फिर वन विभाग के कोई भी लोग मौजूद नहीं है, शायद अभी तक उनको कोई ऐसी सूचना नहीं है आग की, लेकिन फिर भी जो जंगल है वो लगातार जलते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो आग थी वो शांत थी, क्योंकि बीच बीच में जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो पहाड़ों की आग थी वो शांत हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी बढ़ने के साथ ही जो आग है वो अब कहीं ना कहीं विकराल रूप धारण कर चुका है। राहुल सिंह, कैंची धाम, नैनीताल।